इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के शिक्षक चंद्रेश भाई बोरी सागर जी, जिन्हें कल राष्ट्रपति ने बेस्ट शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है। कल इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है गुजरात में आपका। नमस्कार। कैसा लग रहा सर? अब बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, हमारे राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से मुझे नेशनल टीचर अवार्ड 2024 से सम्मान मिला है, तो मेरे लिए जीवन का अमूल्य क्षण है और मेरा सौभाग्य मेरे राष्ट्र के द्वारा यह सम्मान, बहुत खुशी की बात है। कल आपके पीएम साहब से भी मुलाकात हुई, आप 20 अलग अलग भाषाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं गुनगुना के अलग ही तरीके से, इसके बारे में कुछ ब्रीफ करें। जी सर, मैं पिछले 21 साल से शिक्षा के क्षेत्र में एज टीचर काम कर रहा हूँ और हमारे राष्ट्र के माननीय वड़ाप्रधान श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कल मुलाकात हुई, बहुत ही मेरे लिए एक प्रेरक मुलाकात रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है उसको शेयर करने का मेरा सौभाग्य मिला मुझे। सो उसमें जो आपने कहा कि अलग अलग भाषाओं के गीत, तो संगीत एक ऐसा विषय है सर कि उसके माध्यम से कठिन विषयों को मैं सरल बना सकता हूँ और कोई भी बना सकता है, क्योंकि संगीत का जो प्रभाव है वो किसी भी मनुष्य पर ही सीमित नहीं है, सभी सजीव सृष्टि पर भी संगीत का बहुत प्रभाव रहता है। और हम जानते हैं ऋषि काल की अगर बात कर झांके हमारे इतिहास में, तो सितार वादन को सुनने के लिए हिरण भी चले आते थे, तो पशु पक्षियों पर भी संगीत का बहुत प्रभाव रहता है। तो संगीत मेरा रस का मेरा हॉबी है और उसको एज अ पेडागोजिकल टूल, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी हम देखें तो चैप्टर 4 में 4.7 यह कहता है कि आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजिकल अप्रोच, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। सो बच्चों को सिखाने के लिए संगीत के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से बच्चों को सिखा सकता हूँ, यही मेरा अप्रोच रहा है। इस भाषाओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? यस, हमारा जो भारत देश है उसकी विशेषता यही है, विविधता में एकता। अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्कृति, लोक बोली बोली जाती है। यहाँ पर हम देखें तो जैसे हमारे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वैसे अगर मैं बच्चों को केरल स्टेट के बारे में सिखाता हूँ तो वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम में गीत गा के सुनाता हूँ बच्चों को और बच्चों को सिखाता भी हूँ, तो बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो और उसी के माध्यम से हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा निर्माण है वो हम कर सकेंगे और करते आ रहे हैं। तो इसके लिए अगर मलयालम सॉन्ग मुझे सिखाना है तो वो जो बोट रेस करते साथ साथ फोक सॉन्ग ये गाते हैं, ये गात बच्चों को मैं बोट में बिठा कर ऐसे अभिनय के साथ करवाता हूँ। तमिलनाडु की बात करता हूँ तो तमिल भाषा में गीत बच्चों को, तमिल में वाह यानी वेलकम, वा 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 ऊड़ पड़े तो कन्नी नाई वे कौंड नेंजी नाई उड़ पड़े तो कोली नाई वा। उसी प्रकार कर्नाटक के बारे में जब सिखाता हूँ तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है वहाँ पर, भरता नम्मदु अंदु इंदु इंदिगु इदु ये स्वर्गवु हरिय जरिय नम्मिदु भारता नम्मदु। महाराष्ट्र में मराठी भाषा, आनंद कंद ऐसा आ हिंद देश माजा, आनंद कंद ऐसा आ हिंद देश माजा। गुजरात की बात करता हूँ तो आपको तो पता है मैं गुजरात से हूँ, जय सोमनाथ जय द्वारिकेश जय बोलो विश्वनाथनी, स्वर्ण अक्षरे लक्षे कवियो यश गाथा गुजरातनी, जय जय गर्वी गुजरातनी आ गुणवंती गुजरातनी। राजस्थान के बारे में ओ
कुण बीजे बाजरो ये बदरी ओ कुण बीजे मोड़ में वा मिसरी सुरंगी रुत आई मारा देश में भलेरी रुत आई मारा देश में। इसी प्रकार पंजाब के बारे में पंजाबी असी देश दी चढ़दी लाली असी देश दी चढ़दी लाली रुत रुत बहारा हर दिन दिया नुहारा नविया नविया मौज मल्हारा देश दी चढ़दी लाली असी देश दी चढ़दी लाली। कश्मीर के बारे में इच्छु सोन चमन इच्छु सोन वतन इच्छु सोन चमन इच्छु सोन वतन। तो इस प्रकार सभी भाषाओं के बाद मैं बच्चों को सिखाता हूँ हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है और पूरा भारत एक परिवार है। अब तक सर आप कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में जा चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ मैं कई सारे राज्यों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं नहीं गया लेकिन कई सारे राज्यों में घूमने का मुझे मौका मिला है। वहाँ पर जाके जहाँ पर मुझे अवसर मिला है सो मैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन गुजरात में मेरी ये शिक्षा का मेरा ये प्रयत्न मेरे हमारे अमरेली डिस्ट्रिक्ट में रहा है और टीचर्स के ट्रेनिंग के दौरान भी मैं टीचर्स को भी ये एक एज अ मेंटर एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो हमारे प्रयास है उसके उसमें जो भी हमारा योगदान दे सके उसके लिए मेरा 100% देने का मैं प्रयत्न करता हूँ सर। अच्छा कहा जाता है कि पहले हम खुद सीखते हैं फिर हम दूसरों को सिखाते हैं जी। तो आपको कितनी परेशानियाँ हुई आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? जी सर एज अ टीचर अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट वी नो एज शिक्षक को आजीवन विद्यार्थी कहा जाता है और रहना भी चाहिए। मैं भी 2003 से मैं शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ लेकिन हर समय हर जगह मैं कुछ ना कुछ सीखने का मेरा एक दृष्टिकोण रहता है और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि मुझे चारों दिशाओं से मुझे शुभ विचार शुभ ज्ञान प्राप्त हो। तो उसी प्रकार से लर्निंग प्रोसेस जो है वो शिक्षक के लिए लर्नर स्टूडेंट के लिए सभी के लिए कंटिन्यूस ये जो हमारा CPD है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसके तौर पर भी गुजरात सरकार की ओर से भी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और मैं भी जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखता हूँ और मेरे बच्चों के मेरे स्कूल के मेरे शिक्षा विभाग के लिए मैं अप्लाई करने का मुझे सौभाग्य मिलता रहता है। जैसे अभी आप दिल्ली में हैं राष्ट्रपति जी से भी आपकी मुलाकात हुई PM साहब से भी आपकी मुलाकात हुई PM संग्रहालय के अंदर हम लोग खड़े हैं तो इन चीज़ों को भी आप सीख रहे हैं बच्चों को कहीं ना कहीं आगे जाके इससे भी आप कुछ देंगे? जी हर एक अनुभव मेरे लिए तो एक नया अनुभव है ही लेकिन मेरा जो भी लर्निंग है वो सभी लर्निंग मेरे बच्चों के लिए है। जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ मैं साझा करता हूँ और उसी अनुभव के साथ क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसकी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा जाए। लेकिन अगर कई बार ये संभव नहीं है कि बच्चों को सभी जगह ले जा सके तो जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ वहाँ की बात वहाँ के वीडियोस के द्वारा वहाँ के फोटोग्राफ्स के द्वारा भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि दिल्ली में ये जगह देखने के लिए है और मेरे बच्चों के लिए भी ये प्रेरणादायक रहेगा कि मैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सम्मानित हुआ हूँ और वो फोटोग्राफ वो हमारा जो सम्मान पत्र है जब मेरे बच्चे देखेंगे तो उसके जीवन में भी एक ऊर्जा का संचार होगा वो भी कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी जो बातचीत कर रहा हूँ ये वीडियो ये फोटोग्राफ जब मेरे स्कूल के बच्चे मेरे एरिया के लोग मेरे स्कूल के साथ साथ मेरे जो लोकल लोग हैं वो देखेंगे उसमें भी एक ऊर्जा का संचार होगा और इसी प्रकार से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत और जो 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मेरा जो योगदान था है और रहेगा। शुक्रिया सर गुजरात फर्स्ट को समय देने के लिए। तो साफ तौर से चंद्रेश भाई बोरीसागर जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और सबसे खास बात ये कि 20 अलग अलग भाषाओं में
एक तरह से कहें गाना गाकर, जो बच्चे बहुत ही आसानी से सरलता से समझ सकते हैं, उस तरह से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी दिल्ली से इस ट्रिप से इस वक्त हम प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख कर बच्चों के लिए लेकर ही जा रहे हैं।